लेकिन एक्चुअली में रामायण एक लीला है। लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मिक किताब बन के रख दिया। रामायण को अक्सर कहा जाता है रामलीला, देखते हैं राम जी की क्या थी लीला। अगर आप इसके छोटे से छोटे चीजों को अगर आप समझेंगे तो आज के जीवन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये ससुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। ये एक लीला है, लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के गए कि हमारे और आपके दिमाग पे एक ताला मार दिया कि बौद्ध ग्रंथों में कुछ भी है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना, अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते क्या कि अगर हमसे कोई सच्चे दिल से मुस्लिम अगर हमसे अपनी प्रार्थना करेगा उसने मुसीबत में तो हम उसकी पूजा नहीं प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाग तू मुस्लिम है। लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। देखिए मुगलों के वक्त में भी हमारी संस्कृति आँच आई थी, मुस्लिम शासक के वक्त आई थी, लेकिन उन लोग की सोच दूरदर्शी नहीं थी, वो केवल हमारे सामाजिक क्षति की। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया ना, मेंटली बर्बाद कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ता है। रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया, जबकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तू महाभारत पे लड़, हम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करेंगे। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को। आज भी आप लोग समझिए इस चीज को।